अमामपुर की खबरों की ओर टालेंगे एक बार नजर। जी हाँ, जहां पर जो वाटर कूलर आम जनता के सहयोग के लिए और आम जनता की प्यास बुझाने के लिए लगाए गए हैं, यदि वही वाटर कूलर हर खराब पड़े हुए नजर आएंगे तो शायद वाटर कूलर भी अपनी प्यास खुद स्वयं नहीं बुझा पाएगा। इसमें बता दें कि खराब वाटर कूलर के चलते आम जनता को प्यास के कारण भटकना पड़ता है और अधिकारियों का इस ओर नहीं है कोई ध्यान। कासगंज के कस्बा अमामपुर कस्बे में सार्वजनिक स्थानों पर विधायक निधि से स्थापित आरओ वाटर कूलर खराब पड़े हैं। सर्विस ना कराए जाने की वजह से आई खराबी का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। लाखों रुपए की लगाई गई आरओ मशीनें शोपीस बनी हुई हैं, जिससे रागिरों व्यापारियों आदि की प्यास नहीं बुझ पा रही है। वाटर कूलर पिछले 2 साल से खराब पड़े हैं। गर्मी के 3 महीने गुजर गए। कस्बे में हर रोज बड़ी संख्या में आसपास में गाँव के देहात से आने वाले लोग कस्बे में पानी की तलाश में भटकते हैं, किंतु वाटर कूलर अभी भी खराब है। बबलू यादव, क्या समस्या है? समस्या ये है कि गर्मी भयंकर पड़ रही है और ऐसी कंडीशन में जो राहगीर आने जाने वाले हैं उनके किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की जो विधायक निधि के अंतर्गत यहाँ पर नगर अमापुर में जो लगे हुए हैं हैंडपम्प और जल संसाधन, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनकी अभी तक किसी प्रकार की कोई भी देख रेख हो नहीं पा रही है, जिससे वो खराब पड़े हुए हैं। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ की जन समस्याओं को देखते हुए जल संसाधनों को जल्द से जल्द ठीक कराने की कृपा करें। यही मेरा जनहित व्यापक में उनसे अनुरोध है और यही मूलभूत समस्या है जो राहगीरों के लिए।